ऑसिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग प्रकार के मोशन होते हैं, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, हार्मोनिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, इसमें देखिए पीरियड आ रहा है, एक शब्द है पीरियड। पीरियोडिक से में अगर पीरियड आप हटाएं या पीरियड को पे ध्यान दें तो एक ऐसा मोशन, एक ऐसा मूवमेंट जो अपने आप को आइडेंटिकली सिमिलर तरीके से और कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ले लीजिए उसके बाद रिपीट करता है, अपने आप को रिपीट करता है एक समय के बाद, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमता है या घूमती है, 365.25 डेज लगते हैं और हर बार इतने ही दिन लगते हैं। जो क्लॉक है हमारी, क्लॉक को देखिए, उसके जो कांटे हैं, आर्म्स हैं, या सिंपल पेंडुलम का मोशन है, ये सब पीरियोडिक मोशन में आते हैं। ऑसिलेटरी मोशन की बात करें, जहाँ ऑसिलेशन हो रहा होता है, इसमें शब्द देखिए ऑसिलेशन, तो एक ऐसा पीरियोडिक मोशन, देखिए पीरियोडिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ वैसे आ जाएगी पूरी की पूरी, उसके आगे देखिए। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपने आप को रिपीट करता है एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद। तो ऑसिलेटरी मोशन एक पीरियोडिक मोशन है जो टू एंड फ्रो, आना जाना करता है, लेकिन एक फिक्स्ड मीन पॉइंट कहें या फिक्स पॉइंट के को लेके या उसको बेस लेके, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, आप यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर वापस आ गए, यहाँ पे गए, तो यानी कि आप ऑसिलेट हो रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम है, या फिर कोई आपने स्प्रिंग ली और उसमें कुछ लोड कर दिया, कुछ मास लोड कर दिया और मान लीजिए खींच के छोड़ दिया, तो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होता है। अब इसमें इन दोनों में क्या अंतर है या क्या चीज़ें जानने योग्य है, जो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन तो हो गया होगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन में पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है ऐसा ऑसिलेशन, देखिए एक ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होता है। अब हार्मोनिक मोशन जो होता है, ये हार्मोनिक ऑसिलेशन वो होता है जो ऑसिलेशन होना चाहिए, पहले तो ऑसिलेशन को क्वालिफाई करना चाहिए, जिसको हम बहुत एक हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि बाकायदा एक फंक्शन हम लिख सकते हैं कि ये इसके हिसाब से वेरी कर रहा है, और किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, साइन और कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में। अगर हम साइन और कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशन। SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक ऐसा हार्मोनिक मोशन, अब हार्मोनिक मोशन क्या होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कॉस में, ये जो हार्मोनिक मोशन होता है वो ऑसिलेशन होना चाहिए, और ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। तो एक हार्मोनिक ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है, एम्पलीट्यूड मतलब होता है जितना मैक्सिमम ये जा पाएगा, एम्पलीट्यूड कहें डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, जितना दूर जा सकता है, और एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है जो इसे खींच रहा है या इसे आगे बढ़ा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, जो ये जो भी बॉडी है जो मूवमेंट कर रही है वो उसके पीछे एक रिस्ट्रेनिंग या रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, और ये हमेशा उस तरफ काम करता है, ये फोर्स मीन पोजीशन की तरफ, इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये चीज़ जा रही है, इसके ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है लेकिन ये मीन पोजीशन यहाँ है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को यहाँ खींचेगा, इस मीन पोजीशन पे खींचेगा, ये बॉडी यहाँ जा रही है। तो इस तरीके की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिए, अगर एक मान लीजिए एक हार्मोनिक मोशन हो रहा है या फिर एक सर्कुलर मोशन, मोस्टली आप इस हार्मोनिक मोशन को सर्कल से रिलेट करेंगे, जैसे ये मूव कर रहा है और मैंने कहा कि एक बॉडी है यहाँ पर और वो किसी पी पॉइंट पे है, और हम कह रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, मान लीजिए आपका थीटा है यानी कि थीटा वन मतलब ओमेगा टी है, आपका थीटा यानी ओमेगा टी है। अब ये पी पॉइंट है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। पी पॉइंट लिया है मैंने, इसमें पी नहीं ले सकता हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेनी पड़ेगी, तो मैं इसको पी को ए कर देता हूँ, ए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ भी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सिस जा रही है, यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस जा रही है, हम मान रहे हैं कि हम इसको ओरिजिन से ले रहे हैं, तो
एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं ए कॉस थीटा, या एक्स, और वाई आप कहें वाई ए साइन थीटा। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल लेंगे, अगर आप ये एंगल लेंगे तो ये वेरी हो जाएगा, लेकिन असल बात इसमें ये है कि आप इसको साइन या कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा टी इसमें थीटा है, ए एम्पलीट्यूड है, ए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है कि देखिए ये मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये हमेशा रेडियस के बराबर जा रहा है, शायद वापस भी आ रहा हो, शायद ये घूम भी रहा हो, जहाँ से जा रहा है आ रहा है, और जा रहा आ रहा है मीन पोजीशन पे वापस आ गया तो जीरो एम्पलीट्यूड। जैसे ही मैक्सिमम पहुँच गया ये कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब तो ये डॉट 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 की जो लाइन है उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसीलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका जो हो रहा है वो एम्पलीट्यूड है। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होते हैं? नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन होते हैं दो या दो से अधिक हार्मोनिक ऑसिलेशन के कॉम्बिनेशन, यानी एक साइन ओमेगा टी मान लीजिए एक ऑसिलेशन है, बी आपका ये एस एच एम है, बी साइन ओमेगा टू ओमेगा टी एक अपना दूसरा ऑसिलेशन है, इनको जोड़ेंगे तो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन मिलेगा आपको। कुछ टर्म्स हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, जैसे कि टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, ऐसी एम्पलीट्यूड और फेज है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं या ये सब जो वैल्यूज हैं ये डिफाइन करती हैं, बताती हैं आप इससे रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को तो ये होती क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सारे टर्म्स आप देखेंगे, पहली चीज़ है टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए जितना समय व्यतीत होता है, जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू, ये वी नहीं है, न्यू है, या एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने ऑसिलेशन एक सेकंड में बॉडी कंप्लीट कर रही है। कोई भी अगर बॉडी है या पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड वो कर रहा है तो उसे हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे। इसकी एसआई यूनिट जो है हर्ट्ज है, और इसको वन बाय सेकेंड, क्योंकि ये टाइम पीरियड का उल्टा हो गया ना, वन बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड कितना होगा, वन बाय फ्रीक्वेंसी, दोनों इस तरीके से रिलेटेड हैं, तो फ्रीक्वेंसी होता है वन बाय टाइम पीरियड। ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें ओमेगा, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, ये सिंपली प्रोडक्ट है टू पाई, एक टू पाई फैक्टर, टू पाई कहाँ से आता है, अब देखिए एक पॉइंट अगर आप लेंगे उसके अराउंड देखिए कितना एंगल बनता है, 2 पाई बनता है, 360 डिग्री मानिए, लेकिन हम 2 पाई रेडियन के हिसाब से लेंगे, तो 2 पाई का अगर मल्टीपल अगर आप लें या मल्टीप्लाई करें इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, या 2 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी से, तो ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनता है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एफ है, एंगुलर बनाना है यानी कि आपको कोई ना कोई सर्कुलर फैक्टर देना है, तो 2 पाई से अगर इसका गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है। इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी हर्ट्ज है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी बचा, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। एट ऐसी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी ऐसी दूरी से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ है, तो हम ये कहते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी समय के साथ चेंज हो रही है, या पोजिशन जो समय के साथ चेंज हो रही है उसको, या सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और कई बुकों में कई जगह आप इसको वाई के अलावा भी देखेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य कि डिस्टेंस है समय के साथ जो बढ़ता है घटता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मान लीजिए मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से इस तरफ गए, मान लीजिए ए गए, फिर रिस्टोरिंग फोर्स ने वापस ले आया आपको इस मीन पोजीशन पे, फिर आप इस तरफ चले गए तो ये माइनस ए चले गए, तो ये जो ए है ना, ये दूरी और ये दूरी मैक्सिमम है, इसके आगे नहीं जा पा रहे, इससे आगे नहीं जा पा रहे आप, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दोनों डायरेक्शन में मीन पोजीशन से, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे होता है फेज, फेज क्या होता है, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको जगह यानी पोजीशन और क्या डायरेक्शन है उस मोशन की, जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, बॉडी है, उसकी क्या पोजीशन है और क्या डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करता है फेज, या कहें आप अगर इसको जब निकालेंगे हम तो देखेंगे कि ये एंगल ही होता है और कुछ नहीं होता है, इट इज़ एंगल। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो हमने कैसे किया, मान लीजिए ये
इस जगह पे है, ये ओरिजिन है। हमने क्या किया था, इसका कॉस कंपोनेंट निकाला, इसका साइन कंपोनेंट निकाला। तो और मान लीजिए ये एक सर्कुलर हमने एरिया बना दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन है डायमीटर पे। अगर मैं इसको डायमीटर बना दूँ तो इसका प्रोजेक्शन है, या फिर इसका इस पर प्रोजेक्शन है, ये भी डायमीटर बन सकता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक प्रोजेक्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का किसी भी डायमीटर पे, किसी भी डायमीटर पे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। ए इसमें आपका एम्पलीट्यूड है, आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है। इसी तरीके से जो वेलोसिटी है पार्टिकल की एस एच एम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो दी जाती है वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई अगर आप देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ए एम्पलीट्यूड है, वाई आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर वाई को यहाँ पर जीरो कर दिया जाए तो ये ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर ए बन जाएगा, मतलब वी इक्वल टू ए ओमेगा ये बन जाएगा। मीन पोजीशन पे y इक्वल टू जीरो पे v मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन y इक्वल टू a पे क्या होगा, अगर मैं इसको y को a कर दूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, यानी ये पूरा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी अभी पूरी जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर एक पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम को अगर आप थोड़ा सा धक्का दें तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, मतलब इस जगह पे जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये वापस आएगा। और यहाँ पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी इस तरफ और इस तरफ जाने वाला है। एक्सेलरेशन क्या होगा फिर, वेलोसिटी हमने देख ली, तो एक्सेलरेशन दिया जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये नेगेटिव क्यों है, ध्यान रखिए कि जब डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही होती है तो फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, तो एक्सेलरेशन इसका यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कम होता है। ये फोर्स अगेंस्ट लग रहा है तो एक्सेलरेशन कम होता है, इसीलिए ये माइनस साइन है इसका। अगर मीन पोजीशन की बात करें, वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ वाई इक्वल टू जीरो रख दीजिए तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन ले लीजिए, वाई की जगह आप ए रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए ओमेगा स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ऐसी समय कितना लगेगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टाइम पीरियड क्या होता है एक ऑसिलेशन को पूरा करना, वो होता है टी इक्वल टू टू पाई डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। अगर ग्राफिकली इसको समझा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका और ये टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिएगा आप, ये मैक्सिमम ए तक जाता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद दूसरे डायरेक्शन में भी मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड पे ये पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन पूरा कर लेता है। डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ तक ए पूरा करने का और ए माइनस ए पूरे करने का, मतलब जीरो से ए जाना, फिर ए से वापस आना, फिर माइनस ए तक जाना, फिर माइनस ए तक से वापस आना, वो यहाँ से आप यहाँ से ए तक गया, ए से फिर जीरो तक आ गया, फिर जीरो से माइनस ए गया, फिर माइनस ए से वापस आ गया। तो ये पूरा साइकिल पूरा हो गया, यानी कि एक टाइम पीरियड में, एक टी में, इसलिए पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन पूरा हो गया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरीके से दिया जाता है। वेलोसिटी टाइम की बात करें तो ए ओमेगा, वेलोसिटी हम ए ओमेगा से जान रहे हैं, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा वेलोसिटी इसकी ए ओमेगा, वापस आएगा तो माइनस ए ओमेगा। यहाँ से शुरू करें, शुरुआत में उसकी ए ओमेगा वेलोसिटी है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जीरो हो गई, फिर ये माइनस ए ओमेगा हो गई, उसके बाद यहाँ पर ये जीरो होके फिर मैक्सिमम ए ओमेगा पे आ गया, मतलब ए ओमेगा से दोबारा ए ओमेगा आना ताकि दोबारा ये शुरुआत हो जाए, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है ए ओमेगा स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर शुरुआत में क्या होता है आपका, क्योंकि यहाँ मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है तो शुरुआत में ये एक्सेलरेशन जो है आपका जीरो होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रही है, उसके बाद देखिए पहले कम हो रहा है, उसके बाद फिर वापस आया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है, मतलब फोर्स यहाँ बढ़ रहा है लेकिन विस्टेरिंग फोर्स उसको कम, इस एक्सेलरेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आप ये जीरो से शुरू होगा और पूरे टाइम पीरियड तक यहाँ तक लगता है। तो एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, या ये कहें कि जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। जो पार्टिकल या बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी तो इसमें जो फेज डिफरेंस आता है डेल्टा फाई, वो किस तरीके से हम देखें,
अगर डिस्प्लेसमेंट वाई और वी के बीच में देखें तो पाई बाई टू रेडियन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये इंस्टेंटेनियस है ध्यान रखिएगा, डी वाई करेंगे इसमें, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में पाई बाई टू, और अगर हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखें तो पाई रेडियन। तो एक अगर आप ग्राफ बनाना चाहें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, वी वेलोसिटी और ए का किसी पार्टिकल को एग्जीक्यूट कर रहा हो अगर उसका ग्राफ बनाना चाहे तो आप देखेंगे कि वो एक इलिप्स शेप देगा आपको, इलिप्स इलिप्स तरीके से शेप देगा आपको। फोर्स, फोर्स कैसा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में? जो एक्सेलरेशन है बॉडी पे, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर हम एफ इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को अगर हम यहाँ रखें तो क्या आएगा, एफ इक्वल टू ये एक्सेलरेशन है, मास के साथ आप ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस एम ओमेगा स्क्वायर को हम कहते हैं के, जो के है इसको हम इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं, तो एम ओमेगा स्क्वायर हो गया का इलास्टिक कांस्टेंट के, तो इसकी जगह हम के रख देते हैं तो एफ हो गया माइनस के एक्स, और ओमेगा कैसे आएगा देखिए, के के को तो एम ओमेगा स्क्वायर माना तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा को यहाँ रखेंगे एम को नीचे ले जाएंगे और अंडर रूट कर देंगे तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के बाय। तो ये कांस्टेंट होता है के, और जैसे मैंने बताया ये इलास्टिक कांस्टेंट होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, माइनस साइन है ना, और प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स और एक्स एफ इस, ये कह सकते हैं एफ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बस नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एनर्जी क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और हम जानते हैं कि जो वी स्क्वायर है वो क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी होती है। तो इस वेलोसिटी इस वी स्क्वायर की जगह ये रख दीजिए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से आप देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ होगी, अगर इस एक्स को जीरो कर दिया जाए तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन अगर इसी एक्स को मैं ए बना दूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पूरा की पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो सेंटर पे मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके सबसे कम हो जाती है, जीरो हो जाती है ऑलमोस्ट। अब काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये सबसे कम है सेंटर पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो किया तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्स इक्वल टू ए किया तो मैक्सिमम हो जाएगी। अब टोटल एनर्जी क्या होगी, हमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, के प्लस यू, के अभी आपने देखा क्या था, यू अभी देखा आपने क्या है काइनेटिक एनर्जी, अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए अगर मैं इसको खोल दूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बनेगा और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस में, तो ये दूसरा इसका जो दूसरा टर्म आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बचेगा जिसमें एम जो है मास है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और जो ए है वो आपका एम्पलीट्यूड है, और इसमें वेलोसिटी वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो वो भी हम लगा सकते हैं। अच्छा ई आपका टोटल एनर्जी हो गई, तो ये आपका रिलेशन हो गया टोटल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है ऑसिलेशन में, आप देखिए जब काइनेटिक एनर्जी ये इसमें जो डॉटेड है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहा है, जो इसमें हार्ड लाइन है वो आपका काइनेटिक एनर्जी दिखा रहा है। तो आप देखिए कि जब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब मैक्सिमम है आपकी काइनेटिक एनर्जी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, कम है। इसी तरीके से जब हम यहाँ बात करते हैं इस जगह पे, तो जहाँ पर आपकी ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और दोनों मिड पे बिल्कुल सेम होती हैं, मतलब दोनों हाफ हाफ समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, लेकिन दोनों का जोड़ हमेशा सम जो है हमेशा सेम रहता है। जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, किसी भी पार्टिकल को लीजिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा हो, वो डबल होता है
फ्रिक्वेंसी है SHM में। एक और चीज़ कि जो फ्रिक्वेंसी है टोटल एनर्जी पार्टिकल की जो SHM कर रहे होते हैं वो ज़ीरो है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा आपकी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। किसी भी पोजिशन पे जो इन दोनों का जोड़ होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है, उसकी एक कॉन्स्टेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड उसका इस तरीके से दिया जाएगा T=2π√। उसका इनर्शियल फैक्टर क्या है, मास का ये सर्कल हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रॉड हो सकता है, तो उसका इनर्शियल फैक्टर और उसका डिवाइड करेंगे आप स्प्रिंग फैक्टर से। इनिशियल फैक्टर कुछ नहीं, ये एम से रिलेटेड है और स्प्रिंग फैक्टर आपका के है। तो अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, अगर ये वेरी कर रही है टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ तो किस तरीके से इसके फॉर्मूले बनेंगे। डिस्टेंस टाइम, अगर ये एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है तो कैसे रिलेटेड है, x=a cos ωt+5। वेलोसिटी टाइम देखें, dx/dt वेलोसिटी जानना चाहें तो -a sin ωt+5। इस तरीके से एक्सेलरेशन है तो a - a ω² cos ωt+5। काइनेटिक एनर्जी होती है ½mv², और अगर आप इसको आप साइन कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ma² ω² sin² ω t+5। पोटेंशियल एनर्जी देखें, ½m ω² x² यानी कि आपका m ω² a² cos² ω t+5। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाए यानी कि टोटल एनर्जी निकाली जाए तो ½m ω² a² वेलोसिटी देखी जाए तो v = ω√a² - x² आपकी आएगी। एक्सेलरेशन -ω² x से दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी दी जाती है ½m ω² a² - x², पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है ½m ω² x² और टोटल एनर्जी दी जाती है इन दोनों को जोड़ के ½m ω² a² सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम को इस तरीके से समझिए कि एक आपकी बॉडी है, ये बॉब कहिए अभी इसको या मास कहिए, तो अगर ये रिजिड सपोर्ट से आपने इसको लटका रखा है, लटका किससे रखा है या फिर टांग रखा है, ये जो है आपकी एक इलास्टिक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, धागा कह लीजिए, स्ट्रिंग कह लीजिए। तो ये जब आप इसको इससे लटकाएंगे और फिर इसको मूवमेंट देंगे ये आपका एक सिंपल पेंडुलम बनेगा। कितने समय में ये पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर वापस। T=2π√L/g। L इसमें लेंथ है स्ट्रिंग की यहाँ से यहाँ तक, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रही है। तो जो इफेक्टिव लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, हो सकता है बहुत इस तरीके से हम मान सकते हैं बहुत बड़ी है, रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेयर करें तो टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से बनता है। अगर आप L को छोड़ दें, केवल R ले लें, L बहुत बड़ा है R से, तो L को ले लें, R को छोड़ दें, तो कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप बन जाएगा। उसकी वैल्यू भी आती है, ये सब वैल्यू हम देखते हैं क्या सेटेलाइट जो हमारा घूमता है किस तरीके से उसका टाइम पीरियड वगैरह आता है। इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम है, उसका लेंथ अगर बराबर कर दिया जाए, लेंथ ऑफ जो रेडियस है अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं कितना होता है, तो वो आपका तकरीबन ये रिलेशनशिप से आता है। यदि एक बॉब जो सिंपल पेंडुलम है आपका, यदि एक बॉब है वो किसी मेटालिक, ये जो है मेटालिक वायर है जिसकी लेंथ एल दी हुई है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ए है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि अब ये वायर आ गया, वायर हमेशा टेम्परेचर के साथ उसमें तब्दीली होती है, बढ़ता है घटता है, तो इफेक्टिव लेंथ इसकी एल डैश हो जाएगी L(1+ad θ). और अगर आप जब ये बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया, इसमें टाइम पीरियड में भी चिप तब्दीली होगी, उसका रिलेशन ये है। तो जब एक बॉब जो सिंपल पेंडुलम है, मान लीजिए उसकी डेंसिटी रो है, वो किसी फ्लूड में, कुछ किसी तरल पदार्थ में जिसकी रो जीरो फ्रिक्वेंसी है, रो जीरो जो है रो से कम है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और जो इंक्रीज टाइम पीरियड है वो दिया जाता है T-T√ρ/ρ-ρ0। जब सिंपल पेंडुलम ये एक ऐसे गाड़ी में आप ले जा रहे हैं, एक ऐसे व्हीकल में ले जा रहे हैं जो कि सीधी तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से हो जाएगा T=2π√1/√a² + g² ए इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, जी तो ग्रेविटी है ही। एक ऐसा अगर पेंडुलम अगर लें जो ऐसे व्हीकल में रखा हुआ है जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ व्हीकल है इसमें पेंडुलम रखा हुआ है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा T=2π√L/g cos θ। थीटा इसमें ये एंगल है, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कह सकते हैं प्लेन का।
सेकंड पेंडुलम क्या होता है? एक सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। कोनिकल पेंडुलम क्या हुआ? अब देखिए इसमें यहाँ पर ये रिजिड वॉल से हमने इसको बांध रखा है, ये जो बॉडी है वो अब हॉरिजॉन्टली इस तरीके से घूम रही है, मतलब एक कोन सरीखा बना रही है। तो जो कोन बन रहा है इसमें देखिए, मान लीजिए टेंशन है इस बॉडी का, इस जगह पे इसका ये अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये टी कॉस थीटा यहाँ होगा, टी साइन थीटा यहाँ होगा। अब जब ये इस तरह घूम रहा होगा तो यहाँ पर इस पर एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, है ना, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल हमने सब पढ़ा हुआ है, एमआर ओमेगा स्क्वायर है, तो एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा टी साइन थीटा के। इन सब रिलेशन से हमारे पास ये कुछ और रिलेशनशिप भी आते हैं, तो टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये बेसिकली ओमेगा रिप्रेजेंटेशन है, टाइम पीरियड आपका होता है 2π√, इस रिलेशन से एम आर बाय टी साइन थीटा। ओके, भाई इसको इक्वेट करके आया, बस आपको ये समझना है कि ये इस पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इसमें। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? कोई भी रिजिड बॉडी वो इस तरीके से माउंट की है कि अब जो है चक्री जो है वर्टिकल प्लेन में हो रही है, इस तरीके से यू घूम रहा है, और जो जो आपकी एक्सिस है वो आप इस जो ये पेज देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, इस अंदर की तरफ है, तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और ये आपको वर्टिकली घूम रहा है, जिसको हम फिजिकल या कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। इसका टाइम पीरियड इस तरीके से दिया जाता है, जिसमें आपकी आई जो देख रहे हैं वो आपका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अराउंड, एम है मास इस बॉडी का, और जो एल आप देख पा रहे हैं वो आपका डिस्टेंस है उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जहाँ से आपने सस्पेंड किया उसको लटकाया हुआ है, तो सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस एल होता है। टॉर्शनल पेंडुलम क्या होगा? वो इस तरीके से दिया जाता है, इसमें टॉर्शन आता है, टॉर्शन मतलब टॉर्क के बारे में बात हो रही है, जब टॉर्क आता है तो इसमें हम सी लेके आते हैं, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, टी इक्वल टू 2π√i/c, आई जो है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, क्या जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, और सी आपका होता है रिस्टोरिंग कपल, हर एक ट्विस्ट के साथ जो रिस्टोरिंग कपल लग रहा हो, यहाँ पर आपका टॉर्शनल पेंडुलम कहलाता है। फिजिकल पेंडुलम क्या हुआ? फिजिकल पेंडुलम मतलब ये कोई भी बॉडी हो सकती है, रिजिड बॉडी है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है, अगर ये ऑसिलेट कर रही है किसी एक्सिस, हो सकता है कि ये एक्सिस इसके में पास हो भी रही हो ना भी हो रही हो, तो ये फिजिकल पेंडुलम होते हैं। इसका रिलेशन टाइम पीरियड का वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, आई बाय एम जी डी। सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड बराबर हो फिजिकल पेंडुलम से, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सिंपल पेंडुलम, यानी 2π√i/mgd बराबर होगा 2π√l/g, जो ये रिलेशन है उसमें आप जो लेंथ है आपकी इसकी आएगी i/md इस तरीके से। स्प्रिंग पेंडुलम क्या हुआ? मान लीजिए रिजिड बॉडी है, रिजिड वॉल है, और ये आपकी एक स्प्रिंग है, यहाँ पर आपने मास लटका दिया, अब इस मास को आपने हल्का सा खींचा और छोड़ दिया, तो ये मूवमेंट करने लगेगी, तो एक पॉइंट मास आपने लिया, मासलेस समझ लीजिए, और स्प्रिंग है इसमें, अगर मास को आपने नीचे की तरफ खींचा और रिलीज कर दिया, तो यहाँ से ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करेगा, यहाँ पर जो टाइम मतलब सिंपल हार्मोनिकली करेगा, तो जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेशन की बन रही है वो है टी इक्वल टू 2π√m/k, या फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो 1/2π√k/m। यदि स्प्रिंग लाइट नहीं है लेकिन इसका कुछ मास है तो आपको ms जोड़ना पड़ेगा इसमें। आप एक YouTube ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ मान लीजिए कोई फ्लूड है, आप इस फ्लूड को धक्का दीजिए और छोड़ दीजिए, तो फ्लूड ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, इस तरीके से एक मूवमेंट होगा यहाँ। तो अगर लिक्विड आपने फिल किया जो लिम्स हैं इसके यूट्यूब के, और उसको किसी को डिप्रेस किया किसी वाइड डिस्टेंस से एक लिम में, तो दूसरी तरफ ये पर जाएगा, तो ये दोनों मूवमेंट जो होंगे ना, यहाँ जाना, ये आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। टाइम पीरियड इसमें होगा टी इक्वल टू 2π√h/g, h/g होगा, और जो ऑसिलेशन होगा फ्लोटिंग सिलेंडर का इस लिक्विड में वो होगा 2π√l/g, और इसमें ऑफ कोर्स जो एल हम लेंगे वो होगा कितना लेंथ है जो सिलेंडर का, जो इस सब वो इस लिक्विड में अंदर की तरफ है इक्विलिब्रियम में, ये फ्लोटिंग सिलेंडर हो रहा है एक, मतलब एक आपका लिक्विड है जिसमें आपने
इस तरीके से सिलेंडर को फ्लोट करा रखा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक लोडेड स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो आपने इसको कंप्रेस या स्ट्रेच किया, दबाया या खींचा एक स्मॉल डिस्टेंस वायर से उसकी मेन पोजीशन के अक्रॉस, रिस्टोरिंग फोर्स इस पर काम करेगा जो कि एफ माइनस के वाई से दिया जाता है। ये आपका फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, एम आपका अगर मास आपने लटका दिया स्प्रिंग से तो इक्विलिब्रियम पे एम जी बराबर हो जाएगा के एल, यानी कि देखिए ये आपका कोई एम जी नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स इस तरीके से लगेगा, फिर फोर्स हम कह रहे हैं कि इससे संख्या से है तो एम जी और के एल जब बराबर होंगे इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो टाइम पीरियड होगा इस लोडेड स्ट्रिंग का वो होगा टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के। अब दो स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है, ये दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका कांस्टेंट है के वन, स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन, इसका के टू, यहाँ पर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इन दोनों की संख्या क्या होगी। जब दो स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट के वन और के टू है अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर वो आपके सीरीज में लगे हैं, तो अगर पैरेलल में लगे हैं तो इफेक्टिव के क्या हो जाएगा, के वन प्लस के टू, इस के वन और के टू का आप जोड़ देंगे तो टाइम पीरियड सिंपली टी टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, के की जगह आप के वन प्लस के टू रख दीजिए। जब दो स्प्रिंग्स जिनका फोर्स कांस्टेंट के वन के टू है अगर इसको हम सीरीज में लगाएंगे, के वन है के टू है तो इन, और मान लीजिए मास एम है तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, वन बाई के इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, तो आपको के से निकालना है फिर इसको टी इक्वल टू टू बाई अंडर रूट एम बाई के में रखना है, के की जगह आप ये रखेंगे जो कि आएगा के वन प्लस के टू बाई के वन के टू। फ्री ऑसिलेशन क्या होते हैं, जब एक बॉडी जो ऑसिलेट हो रही है किसी मीन पोजिशन पे, उसको मीन पोजीशन से आपने डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया तो वो इन उस मीन पोजीशन के इधर उधर वो ऑसिलेट करेगी, तो ये जो है फ्री ऑसिलेशन है, आपने इनको ऐसे छोड़ रखा है ये फ्री ऑसिलेशन कर रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब डैम्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता है समय के साथ, कम हो रहा होता है एम्पलीट्यूड, कम हो रहा होता है समय के साथ, उसे हम डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब एक समय पे जब आप उस ऑसिलेशन शुरू हुआ जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा और एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसकी संख्या क्या होगी या डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे डैम्ड ऑसिलेटर का किसी टी टाइम पे, वो दिया जाता है एक्स इक्वल टू एक्स जीरो ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें ये जो संख्या है यहाँ से यहाँ तक ये आपका एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेटर की जो कम होती है टाइम और ओमेगा के साथ, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसी डैम्ड ऑसिलेटर की किसी टी टाइम पे वो इस संख्या से दी जाती है। अनडैम्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड सेम रहे टाइम के साथ, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज ना हो उसे हम अनडैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फोर्स ऑसिलेशन क्या होते हैं, ऑसिलेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्वेंसी यहाँ पर एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से अलग है, पीरियोडिक एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर, फोर्स मतलब फोर्स लग रहा है, ऑसिलेशन भी हो रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है, उसे हम आपके फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। और रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होता है, जब एक एक्सटर्नल फोर्स हमने एक बॉडी पे लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी है आपके इंटीग्रल मल्टीपल आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का बढ़ेगा और जो ऑसिलेशन बनेंगे उन्हें हम रेजोनेंट ऑसिलेशन कहते हैं। लिसैस फिगर्स, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ओके, तो जो इसके कारण क्या होगा कि जो रिजल्टिंग मोशन होगा उसमें इन दोनों का जोड़ होगा, वो जोड़ बनेगा वो कर्व लॉक कहेंगे उसको, तो जो शेप होगा इस कर्व का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा या फ्रीक्वेंसी रेशियो पे डिपेंड करेगा दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो इधर 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 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, और साथ में क्या इन लोगों का इन दोनों मोशन का इनिशियल फेज डिफरेंस क्या था, जो फिगर बनेगा वो आपका लिसेस फिगर कहते हैं, वो जनरली इस फॉर्म में बनता है। तो दो अगर एस एच एम लेंगे जिसका सेम फ्रिक्वेंसी है, एक्स को मान ले ए वन साइन ओमेगा टी, वाई को ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर लें इसको, जो जनरल इक्वेशन है रिजल्टेंट मोशन की इस केस में वो आपका बनता है एक्स वन बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई टू वाई बाय वी टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। इसमें यहाँ पर आपको देखना है कि ए वन ए टू कॉस फाइव और ये साइन स्क्वायर फाइव के, क्योंकि हम यहाँ फाइव की बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, जो इक्वेशन है ये बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन है, अगर फाइव जीरो है या फाइव है या किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीपल है एन पाई, तो रिजल्टेंट कर्व जो होगा
वो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होगी। जब दोनों दो आपके SHM जिनकी फ्रीक्वेंसी 1:2 रेशियो में होगी तो लेसेस फिगर ये 8 का फिगर बनाएगा, ऐसे ऐसे करके बनाएगा।